हेलो बच्चों, कैसे हो? आज अपन डिस्कस करेंगे गुलाम बल का सदिश निरूपण। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि गुलाम बल क्या होता है। तो क्या होता था गुलाम बल, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के तो क्या होता था, समानुपाती होता था। तथा उनके बीच की दूरी, मान लो मेरे पास कोई दो आवेश है Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी है r, तो दोनों आवेशों के जो लगने वाला बल होता था उनके गुणनफल के तो क्या होता था, समानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता था, व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को संयुक्त रूप में लिख देते तो अपने पास इक्वेशन बन जाती थी Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाता था तो Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। जो ये k था, k की वैल्यू होती थी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती थी निर्वात के लिए। और अपने को के का मान हर माध्यम के लिए अलग अलग होता था। अगर निर्वात की थी तो कोई भी माध्यम हो उसके लिए अपने के का मान लेके चलते थे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती थी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये था, आज अपने डिस्कस करेंगे कुलाम बल का सदिश निरूपण। कूलाम के लिए सदिश निरूपण के लिए अपने मान लो कोई दो बिंदु आवेश ले लिए एक्स वाई प्लेन के अंदर। कोई दो बिंदु आवेश लेके चल रहा हूं मेरे पास एक्स वाई प्लेन, ये हो गया अपने पास मूल बिंदु, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। मान लो एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई ए पॉइंट ले लिया जहां पे मेरे पास क्यू वन आवेश है, एक कोई बी पॉइंट ले लिया जहां पे मेरे पास क्यू टू आवेश है। मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का मैंने स्थिति सदिश मान लिया R1 सदिश, जिसकी डायरेक्शन यह है अपने पास, और Q2 आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश मान लिया मैंने R2 सदिश। अब मैं क्या करूंगा कि Q1 और Q2 आवेश पर मैं बल ज्ञात करूंगा। तो सबसे पहले मैं Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल निकालूंगा। किस पर? Q2 पर। तो इसके लिए मैं Q1 को स्थिर मान के चल रहा हूं। जब मैं इस स्थिर आवेश के पास Q2 लेके आऊंगा कि दोनों सेम प्रकृति के होने के कारण दोनों में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। जब Q2 Q1 के पास जाएगा तो इसको इस डायरेक्शन में धक्का लगेगा, मतलब इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, इस डायरेक्शन में F21, क्योंकि एक के कारण दो पर लगने वाला बल, मतलब Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल। अगर मैं Q1 आवेश के कारण Q2 का सदिश निकालूं तो अपने को पता है कोई भी दूरी मेजर करे तो अपने को Q1 से लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि Q1 एक जगह क्या है, स्थिर है। तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R21 सदिश, क्योंकि एक के कारण दो का स्थिति सदिश। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो Q2 एक जगह स्थिर है और Q2 पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में, F12 सदिश, आवेश दो के कारण एक पर लगने वाला बल। और इसका स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, इसी प्रकार R12 सदिश। ये था, अब इसका मैथमेटिकल क्या होगा देखते हैं। Q1 आवेश के कारण, जिस आवेश के कारण निकालते हैं बल उसको हमेशा कांस्टेंट लेके चलेंगे, दूसरी भाषा में जिसके सापेक्ष निकालते हैं। तो Q1 आवेश के सापेक्ष Q2 आवेश पर बल, Q2 आवेश पर बल कितना लग रहा है, Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल F21 सदिश। तो कूलाम बल क्या होता है, के Q1 Q2 और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R21 का स्क्वायर, और R21 क्या हो जाएगा, कै, ये इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है और होता है क्या, एकांक सदिश। और अपने को पता है एकांक सदिश क्या होता है, आर कैप बराबर आर सदिश अपॉन में आर का परिमाण। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, R21 कैप बराबर R21 का सदिश अपॉन में R21। ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो अपने पास क्या बन जाएगा, के Q1 Q2 R21 का स्क्वायर R21 सदिश अपॉन में R21। तो F21 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सॉरी F21 की वैल्यू क्या आ गई, के Q1 Q2 अपॉन में R21 स्क्वायर, ये रहा और ये क्या हो गया Q, तो यहां पे कितना आ गया R21 सदिश। अब देखो, अगर मैं इस त्रिभुज के अंदर
अगर इसको मैं ओ नाम दे दूं तो ए ओ बी के अंदर मैं त्रिभुज का नियम लगाऊं, तो अपने को पता होना चाहिए त्रिभुज का नियम क्या। अगर दो भुजाएं लगातार क्रमागत हो तो तीसरी भुजा इनके योग के बराबर होती है। तो यहां पे देखो दो क्रमागत भुजाएं कौन सी है, आर वन और आर टू वन, क्या है एक ही डायरेक्शन के अंदर है, आर वन सदिश प्लस आर टू वन सदिश, तो इनकी विपरीत भुजा आर टू इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगी। तो यहां से आर टू वन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, आर टू सदिश माइनस आर वन सदिश, ये वैल्यू मैं इसकी जगह लिख सकता हूं। तो एफ टू वन सदिश बराबर के क्यू वन क्यू टू अपोन में आर टू वन का क्यूब, ये वैल्यू लिख दी आर टू सदिश माइनस आर वन सदिश, इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दी फर्स्ट। अब बात करूंगा क्यू टू आवेश के कारण क्यू वन पर लगने वाला बल, क्यू टू आवेश के सापेक्ष क्यू वन पर बल, क्यू टू आवेश के सापेक्ष क्यू वन पर बल कितना लग रहा है, एफ वन टू, टू के कारण वन पर लगने वाला बल। तो एफ वन टू सदिश बराबर वही के क्यू वन क्यू टू अपोन में, देखो तो टू के कारण वन पर लग रहा है तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, वन टू सदिश आर वन टू स्क्वेयर और आर वन टू का कैप, ये किसको बताएगा, इसकी दिशा को, टू से वन की ओर है इसका स्थिति सदिश। तो वही बात आर वन टू कैप बराबर में क्या लिखता हूं, आर वन टू सदिश अपोन में आर वन टू, ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एफ वन टू सदिश बराबर के क्यू वन क्यू टू अपोन में आर वन टू का स्क्वेयर आर वन टू सदिश आर वन टू। तो एफ वन टू सदिश बराबर कितनी वैल्यू होगी, के क्यू वन क्यू टू अपोन में आर वन टू का क्यूब और आर वन टू सदिश। सिमिलरली फिर मैं इस त्रिभुज के अंदर वापस त्रिभुज नियम लगाऊंगा तो अब की बार कौन सा स्थिति सदिश लेके चलना पड़ेगा, आर वन टू, तो अब की बार आर टू और आर वन टू क्या एक ही डायरेक्शन में है और आर वन क्या इसके विपरीत क्रम में है, तो त्रिभुज का नियम क्या लगेगा, आर टू सदिश प्लस आर वन टू सदिश बराबर आर वन सदिश। तो आर वन टू सदिश की वैल्यू कितनी आ गई, आर वन सदिश माइनस आर टू सदिश, तो एफ वन टू सदिश की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू वन क्यू टू अपोन में आर वन टू का क्यू डैश, ये कितना आ गया, आर वन सदिश माइनस आर टू सदिश। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन बाहर निकाल लूं तो आर वन टू सदिश बराबर के क्यू वन क्यू टू अपोन में आर वन टू का क्यू, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर टू सदिश माइनस आर वन सदिश। अब यहां पे देखो के क्यू वन क्यू टू आर वन टू का क्यूब आर टू माइनस आर वन, इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ वन टू सदिश बराबर एफ टू वन सदिश, मतलब दोनों आवेशों पर लगने वाला बल परिमाण में तो क्या है समान है, परंतु माइनस चिन्ह क्या बता रही है, दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं। देखो एफ टू वन इधर लग रहा है और एफ टू वन इधर लग रहा है, परिमाण में तो क्या है दोनों बल आपस में समान है परंतु डायरेक्शन में क्या है एक दूसरे के विपरीत है। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम की भी पालना करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मतलब जितनी क्रिया करें उसके समान अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही प्रतिक्रिया मिलेगी। तो जो कुलाम का सदिश निरूपण है क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों आवेश मान लो मेरे पास कोई क्यू वन आवेश है ये कोई क्यू टू आवेश है, इसके बीच मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, कितने के लिए कुलाम बल काम करेगा, इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस 10 की पावर माइनस 15 मीटर तक ये काम कर सकता है। अगर ये 10 की पावर माइनस 15 से भी छोटा हो जाता है तो उस कंडीशन में अपने कुलाम बल नहीं लगेगा, उस कंडीशन में लगेगा नाभिकीय बल, नाभिकीय बल लगेगा, मतलब जो कुलाम का नियम है इन दोनों के बीच मिनिमम 10 की पावर माइनस 15 मीटर तक लागू हो सकता है, अगर इससे और छोटा हो जाता है उस कंडीशन में कुलाम बल काम नहीं करेगा, अपना नाभिकीय बल काम करेगा। तो ये था अपने पास कुलाम बल का सदिश निरूपण। नेक्स्ट टॉपिक है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, बलों मतलब कुलाम बल के अध्यारोपण का सिद्धांत।
तो सबसे पहले अध्यारोपण सिद्धांत के लिए अपने बात याद रखनी है कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत है दो या दो से अधिक आवेशों के लिए लागू होगा। तो आइए देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई एन आवेशों का एक निकाय लेके चल रहा हूँ जिसमें एन आवेश है। तो मैं क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मान लो कोई क्यू वन आवेश है, कोई निकाय है मेरे पास एन, क्यू टू आवेश है, क्यू थ्री आवेश है, डैश 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 क्यू वन आवेश, और यहाँ पे मैं क्यू नोट आवेश मान रहा हूँ। कहीं भी मान सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार, और अपनी इच्छा के अनुसार एक कोई चार्ज उठाओ। तो मैंने यहाँ पे क्यू नोट आवेश उठा दिया, समझते जाना ध्यान से इसको, क्यू नोट आवेश उठाया। इस क्यू नोट आवेश पर कोई एक आवेश उठा लेना, कोई भी क्यू थ्री क्यू टू क्यू वन कोई भी। तो मैंने यहाँ पे क्यू नोट आवेश लिया। इस क्यू नोट आवेश के कारण इन सभी आवेशों के कारण इस पर लगने वाला बल ज्ञात करूंगा। मतलब जो एन आवेश में से मैंने कोई एक आवेश उठाया क्यू नोट, इन सभी आवेशों के कारण इस क्यू नोट पर मैं बल ज्ञात करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्यू वन आवेश लेके चला हूं, तो क्यू वन आवेश के कारण क्यू नोट पर बल, किसके कारण क्यू वन, तो क्यू वन को क्या मानेंगे कॉन्स्टेंट। जब क्यू नोट आवेश मैं इसकी तरफ लेके आऊंगा तो दोनों सेम नेचर या सेम प्रकृति के होने के कारण इस पर क्या लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो जब क्यू वन आवेश के कारण क्यू नोट पर बल ज्ञात करूंगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ जीरो, या नोट बोल सकते हैं वन सदिश, मतलब एक के कारण जीरो पर लगने वाला बल, और इसके बीच की स्थिति सदिश कितना हो जाएगा आर जीरो वन सदिश, क्योंकि क्यू वन क्या है कॉन्स्टेंट। सिमिलरली मैं क्यू टू आवेश लेके चलूंगा, क्यू टू क्या मानूंगा कॉन्स्टेंट, तो क्यू टू के कारण क्यू नोट पर बल, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये होगी कितनी एफ नोट टू, टू के कारण जीरो पर बल, और इसका स्थिति सदिश कितना हो जाएगा सिमिलरली क्यू थ्री ऐसे हो जाएगा एफ जीरो थ्री, और स्थिति सदिश कितना हो जाएगा आर जीरो थ्री। इसी प्रकार एन के लिए कितना हो जाएगा स्थिति सदिश आर जीरो एन सदिश, और इसका लगने वाले बल की डायरेक्शन एफ जीरो एन सदिश। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि क्यू नोट पर जो टोटल बल आएगा, क्यू नोट पर जो टोटल बल आएगा इन सभी आवेशों के सदिश योग के बराबर होगा, मतलब इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। जो एफ नेट है, मतलब क्यू नोट पर जो टोटल बल आएगा इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो क्यू वन के कारण लगने वाला बल कितना है एफ जीरो वन सदिश, प्लस क्यू टू के कारण एफ जीरो टू सदिश, एफ जीरो थ्री सदिश, डैश 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 एफ जीरो एन सदिश, इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दी वन। तो अब देखो क्यू वन के कारण क्यू नोट पर बल, याद करेंगे सारे फोर्स अपने, क्यू वन के कारण, क्यू वन के कारण क्यू नोट पर बल कितना है एफ जीरो वन सदिश, एफ जीरो वन सदिश वेक्टर रूप में लेके चल रहे हैं तो दिशा भी दिखानी पड़ेगी। तो क्या होता है ये जो सारा का सारा अपने काम कर रहे हैं हवा या निर्वात के अंदर कर रहे हैं, जो अपनों ने पिछले वाला टॉपिक किया था सदिश निरूपण, उसके लिए अंदर अपने भी माध्यम क्या लेके चले हवा या निर्वात। तो क्या आ जाएगा के क्यू वन क्यू नोट दोनों आवेशों का गुणनफल, और बीच की डिस्टेंस आर जीरो वन का स्क्वायर, अपनी दूरी लेनी है सदिश नहीं लेके चलना, तो दूरी कितनी है आर जीरो वन, और क्या हो जाएगा आर जीरो वन का कैप, इसकी डायरेक्शन क्या है जीरो से वन, वन से जीरो सॉरी। सिमिलरली क्यू टू आवेश के कारण, क्यू टू आवेश के कारण क्यू नोट पर बल, तो वो कितना आ जाएगा अपने पास, कितना है क्यू टू आवेश के कारण, तो एफ नोट टू कितना हो जाएगा वो के क्यू नोट क्यू टू क्यू नोट और आर जीरो टू का स्क्वायर और आर जीरो टू का कैप, ये इसकी दिशा को बताएगा। इसी प्रकार यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसी प्रकार एन सदिश के लिए बात कर ले, इसी प्रकार अगर तीन के लिए बात करें तो यहां पे कितना आ जाएगा क्यू थ्री, यहां पे आर जीरो थ्री का स्क्वायर और आर जीरो थ्री का कैप। तो इसी प्रकार क्यू वन आवेश के कारण,
क्यू नोट पर बल, तो वो कितना आ जाएगा एफ जीरो एन सदिश, ये रहा। कितने चार्ज है के क्यू एन क्यू नोट, क्यू एन क्यू नोट बीच की डिस्टेंस आर जीरो एन का स्क्वायर और इसका कैप। अब देखो सारी वैल्यू को जोड़ दूं तो अपने पास इस पर क्यू नोट अब इस पर लगने वाला बल आ जाएगा, तो एफ नेट कितना आ गया, जो एफ नेट आएगा तो पहले देखो एफ जीरो वन की वैल्यू ये रही के क्यू वन क्यू नोट अपॉन में आर जीरो वन का स्क्वायर और आर जीरो वन का कैप। एफ जीरो टू की वैल्यू के क्यू टू क्यू नोट आर जीरो टू का स्क्वायर और आर जीरो टू का कैप डैश डैश डैश। इसी प्रकार एन में के लिए कितना हो जाएगा एफ जीरो एन ये रहा के क्यू एन क्यू नोट आर जीरो एन का स्क्वायर डॉट में आर जीरो एन का कैप। यहां पे एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे लिख रहा हूं थोड़ा क्योंकि बीच में इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। देखो के क्यू नोट के क्यू नोट के क्यू नोट सभी में क्या रहा है कॉमन, तो इसको मैंने क्या किया बाहर निकाल लिया। अब देखो अंदर क्या रह गया यहां पे क्यू वन अपॉन में आर जीरो वन का स्क्वायर और आर जीरो वन का कैप। क्यू टू देखो के क्यू नोट दोबारा आ गया क्यू टू अपॉन में आर जीरो टू का स्क्वायर और आर जीरो टू का कैप प्लस डैश 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 क्यू एन आर जीरो एन का स्क्वायर और आर जीरो एन का कैप। तो एफ नेट क्या रह गया के क्यू नोट, अगर मैं इसको समेशन के रूप में लिखूं आई बराबर एक से वन से लेके एन तक तो क्या बनेगा क्यू आई अपॉन में आर जीरो आई का स्क्वायर और आर जीरो आई का कैप। अब देख लो वैल्यू पुट करके देखते हैं, ये आ गया उस क्यू नोट पर लगने वाला टोटल बल। देखो अगर मैं आई का मान एक रखूं तो क्या बनेगा क्यू वन आर जीरो वन का स्क्वायर आर जीरो वन का कैप, देखो फर्स्ट स्टेप बन गया। अगर मैं टू रखूंगा तो क्यू टू आर जीरो टू का स्क्वायर और आर जीरो टू का कैप। इसी प्रकार थ्री रखूंगा तो क्यू थ्री आर जीरो थ्री का स्क्वायर आर जीरो थ्री का कैप। इसी प्रकार एन के लिए कितना क्यू एन आर जीरो एन का स्क्वायर आर जीरो एन का कैप। ये था अपने पास बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं कि मेरे पास एन आवेशों का क्या था निकाय था जिसके अंदर मैंने कोई एक चार्ज उठा लिया, कोई भी उठा सकती हो Q3 Q1 Q2 कुछ भी उठाओ, मैंने यहां पे Q नोट आवेश उठाया। इस Q नोट आवेश पर सभी आवेशों के कारण लगने वाला बल ज्ञात किया। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी एक आवेश पर सभी आवेशों के कारण जो लगने वाले बलों का सदिश योग होगा वो उस Q नोट पर परिणामी बल को प्रदर्शित करेगा। बार फिर समझा देता हूं कि इन सभी आवेशों के कारण क्यू नोट पर जो लगने वाले बलों का सदिश योग होगा वो क्यू नोट पर परिणामी बल को प्रदर्शित करेगा। ये कंडीशन बताती है अपने को अध्यारोपण का सिद्धांत। यहां पे लिख भी सकते हो अध्यारोपण के सिद्धांत से अपने को पता है कि जो टोटल बल होगा सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। फिर मैंने अलग अलग आवेश के कारण बल याद कर उन सभी का जोड़ कर दिया और अपने पास लास्ट फाइनल आंसर आ गया। यह था अपने पास बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। अब एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसके बाद, वो क्या है कूलॉम बल के ऊपर। अपने पास देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई दो स्थिर बिंदु आवेश प्लस चारित व प्लस नोई दोनों पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो पहले इतना अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये कोई प्लस ई चार्ज है, ये कोई प्लस नो ई चार्ज है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे देखते हैं क्या इनके मध्य दूरी पर प्लस क्यू आवेश को कहां रखें, इन 16 सेंटीमीटर के बीच अपने प्लस क्यू आवेश को कहां रखें कि इस पर परिणामी बल शून्य है। इसका कहने का मतलब यह है कि इस 16 सेंटीमीटर की दूरी के बीच अपने को एक प्लस क्यू चार्ज रखना है जिससे इस प्लस चारे के कारण उस पर बल ज्ञात करेंगे, फिर इस प्लस नोए के कारण इस प्लस क्यू चार्ज पर बल ज्ञात करेंगे और दोनों बलों का जो परिणामी आएगा वो अपने के पास क्या मिलना चाहिए शून्य मिलना चाहिए। तो मान लिया मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज यहां पे रखा हुआ है जो कि प्लस चार से x सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, मैंने इसकी दूरी मान लिया वो x सेंटीमीटर दूरी पर रख, अगर यहां से लेकर यहां तक दूरी x है तो यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी रहेगी अपने पास 16 माइनस x।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस प्लस चार ई के द्वारा इस प्लस क्यू आवेश पर मैं क्या निकालूंगा, बल। तो देखो इस प्लस चार ई आवेश के कारण इस प्लस क्यू आवेश पर बल की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में आएगा। और इस प्लस नौ ई के कारण इस प्लस क्यू चार्ज पर बल इस डायरेक्शन में आएगा। मान लो ये बल मैंने एफ वन मान लिया और ये बल मैंने एफ टू मान लिया। एफ वन और एफ टू बल दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो एफ वन बल की डायरेक्शन और माइनस एफ टू दोनों बल परिमाण में क्या है, समान है। अगर दोनों को मैं परिमाण रूप में ले लूं, एफ वन बराबर एफ टू, ये माइनस तो क्या बता रहा है, इनकी डायरेक्शन को बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या, एक दूसरे के विपरीत है, परंतु परिमाण में मैंने क्या ले लिया, इनको समान ले लिया। तो पहले मैं एफ वन बल गिराता हूं, एफ वन क्या है, प्लस चार ई के कारण इस प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल। तो अपने को पता है बल क्या होता है, के, जो इनके बीच मैंने माध्यम लिया वो निरूप, अगर कोई भी माध्यम नहीं देगा तो अपने निर्वात क्या, हवा लेके चलेंगे। तो अपने को पता है जो बल होता है वो के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। तो क्यू वन कितना दिया हुआ है, फोर ई, क्यू टू कितना दिया हुआ है, क्यू, बीच की डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो यहाँ पे कितना आ गया एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एफ टू क्या होगा, प्लस नो ई के कारण इस क्यू पर लगने वाला बल। तो वही के क्यू वन कितना है, नाइन ई, क्यू टू कितना है क्यू, और बीच की डिस्टेंस कितनी है सोलह माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो के से के कैंसिल, ई से ई कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो यहाँ पे कितना रह गया, फोर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन अपॉन में सोलह माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लूं, अगर मैं वर्गमूल ले लूं तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, टू अपॉन में एक्स, वर्गमूल लेने पर और यहाँ पे कितना रह जाएगा, थ्री अपॉन में सोलह माइनस एक्स। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, वज्र गुणा कर दिया, तो टू सोलह माइनस एक्स थ्री एक्स, सॉल्व कर लो, थर्टी टू माइनस टू एक्स इक्वल टू थ्री एक्स, थर्टी टू इक्वल टू फाइव एक्स, और x की वैल्यू कितनी आ गई, थर्टी टू अपॉन में फाइव। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्लस फोर ई से अगर अपने 32 अपॉन 5 डिस्टेंस पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखें तो दोनों आवेशों के कारण जो परिणामी बल आएगा वो अपना कितना आएगा, जीरो आएगा। यह था अपना न्यूमेरिकल। थैंक यू।